हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। माननीय सांसदगण और यहां उपस्थित, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दूर दूर केवल जन सैलाब दिखाई दे रहा है। राजधानी आज और मध्य प्रदेश जनजातीय रंग में रंग गया है। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। मैं आज भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था, बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, बिरसा भगवान के इस योगदान को प्रणाम करने के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मना के रूप में मनाने का पूरे हिंदुस्तान में फैसला किया। एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजाति समाज का सम्मान है। भारत माता पे यह कर्ज था ऐसे सच्चे सपूतों का, जनजाति योद्धाओं का। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था, वो कर्ज उतारा है जनजाति गौरव दिवस की घोषणा करके। और इस फैसले के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। बिरसा भगवान, राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं कितने जनजाति योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आज़ादी के लिए, ये उनका सम्मान है। लेकिन आज मैं हृदय से और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूँ। इसलिए कि ये राजधानी भोपाल ये केवल नवाबों का इतिहास नहीं था, यहाँ कभी गोंडवाना का राज हुआ करता था। भोपाल से लेके गिन्नौरगढ़, गड़ा मंडला, सिंग्रामपुर, ये 52 गढ़ थे और उनमें से एक गढ़ की रानी थी रानी कमलापति। छल से, कपट से आया था अफगान से, अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खां, पहले इस्लाम नगर को लूटा, बाद में भोपाल पर कब्जा करने के बाद गिन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नज़र थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरतापूर्वक लड़े लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको ये लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। रानी की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था। बचपन में हम कहते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। लेकिन रानी भुला दी गई, इतिहास में उचित स्थान ना अंग्रेजों ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, आपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, ढोल नगाड़े बजाइए, आनंद का प्रकटीकरण कीजिए, चारों तरफ से गूंज हो जाए, प्रधानमंत्री जी आपने रानी का सम्मान बढ़ाया है, आपने जनजाति का सम्मान बढ़ाया है, आपने आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया है, आपने भोपाल और मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है।
मैं प्रणाम करता हूं प्रधानमंत्री जी आपको, प्रणाम करता हूं। आइए वे स्वागत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का वैक्सीन के रूप में। पहले दुनिया वैक्सीन बनाती थी, भारत नहीं बना पाता था, वैक्सीन बनी भी और वैक्सीन 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। ये वैक्सीन का डोज नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने जिंदगी का डोज हमारी जनता को दिया है, फ्री में दिया है। और जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी हम इसलिए भी आपका स्वागत करना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऐतिहासिक रूप से घटी है। और ये किसान छोटे छोटे मेरे आदिवासी भाई बहन, ये इसलिए भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि 1200 की डीएपी की बोरी 2400 हो गई। कंपनियों ने कीमत बढ़ाई लेकिन घटा के आपने केवल 1200 में दिए। मैं कितना स्वागत करूं, समय की सीमा है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम आपने गरीबों का किया है, जनजाति समाज का किया है। इसलिए एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता और इस जनजाति समाज की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। 700-700 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, कई तो परसों चले और कई जिलों से कल चले, अलग अलग जगह ठहरे। बहनों और भाइयों, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ठहरने में? सब आनंद के साथ आए। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्यों जनजातीय सम्मेलन कर रहे हैं, पैसे की फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। दो दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं कुछ लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो आईफा जैसे आयोजन करके हीरो हीरोइन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। और हम जनजाति भाई बहनों को बुला के जनजाति गौरव दिवस मनाए, तो ये फिजूल खर्ची है? बताओ, ये फिजूल खर्ची है क्या? ये सम्मेलन होना चाहिए था कि नहीं? आप सबका मैं इसमें स्वागत करता हूं। और ये केवल सम्मेलन नहीं है मेरे जनजाति बहनों और भाइयों, ये गरीब की और आदिवासी की जिंदगी बदलने का अभियान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। हमें कहते हैं आदिवासी विरोधी, आज मैं कह सकता हूं इस मंच से, अगर गरीबों और जनजाति समाज का सबसे बड़ा हितैषी और मसीहा हिंदुस्तान में कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। एक नहीं कितनी योजनाएं, अगर गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी। लेकिन आज जिन योजनाओं को प्रारंभ करने आए, राशन आपके गांव, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है। मुझे एक बूढ़ी माँ ने कहा राशन के बारे में, अरे दोनों कोरोना के दोनों लहर में अकेले मध्य प्रदेश को 9,857 करोड़ रुपए का मुफ्त में अनाज दिया मोदी जी ने, सबको राशन, फ्री राशन, धन्यवाद मोदी जी। एक बार फिर स्वागत कीजिए। और बाकी नाम मात्र के पैसों में दे रहे, लेकिन एक अम्मा मुझे मिली और उसने मुझे कहा कि हम टोलों मजरों फालियों में रहते हैं, अनाज लेने दूर जाना पड़ता है 4-4 किलोमीटर, कई बार दुकान बंद रही तो मिल नहीं पाता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राशन हमारे घर पे हमारे गाँव में मिल जाए? और तभी राशन आपके गांव योजना बनी। प्रधानमंत्री जो राशन देते हैं वो अब गाड़ियों से टोलों मजरों फालियों में गांव गांव में भेजा जाएगा, और हर गांव में राशन गरीबों को जनजाति भाई बहनों को दिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? एक बार जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? ये गाड़ी भी सरकारी नहीं होगी, ये गाड़ी आदिवासी नौजवान की होगी। बैंक उसे फाइनेंस करेंगे लेकिन बैंक गारंटी मांगते हैं। आदिवासी बेटे ने कहा कि मेरे पास तो गारंटी है ही नहीं, तो बताओ गारंटी कौन देगा? गारंटी सरकार देगी, गारंटी भी देगी, मार्जिन मनी भी जमा करवाएगी। राशन अब आपके द्वार आएगा। और केवल इतना ही नहीं, कुछ लोगों के पास पात्रता पर्ची नहीं थी,
37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची बना के भी दिए। मोदी जी के राज में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। कुछ गरीब भाई हैं, मोदी जी आवास दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, लेकिन कुछ गरीब जनजाति भाई बहनों ने बताया कि हमारे पास तो एक ही छोटा सा झोपड़ा है, उसी में पिता चार बेटे उनकी बहू में रहते, रहने की जगह नहीं है। तो हमने एक योजना और बना दी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें जिन गरीबों के पास रहने को जमीन नहीं है, घर घर में बहुत कम जगह और चार चार छः छः परिवार हो गए, अब ऐसे हर एक परिवार को पति पत्नी और उसके बच्चों को निःशुल्क प्लाट दे के रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई आदिवासी जनजाति भाई बहन रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी आवास दिलवा रहे हैं। इलाज का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान भारत योजना, मोदी केयर, मुझे कहते खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पे 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन गए। मेरे आदिवासी भाई और बहनों, भगवान ना करे बीमार होना पड़े, लेकिन बीमार अगर हो गए तो ये मोदी जी 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री करवाएंगे। सिकल सेल एनीमिया बड़ी बीमारी, मैंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की, उन्होंने मुझे कहा मंगू भाई से भी मिलो, उन्होंने बहुत काम किया है, तो आज से हम सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन से अब के लिए अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि उस रोग की तकलीफों से बचाया जा सके। शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, 50 का आज ही शिलान्यास और लोकार्पण है। गांव गांव आश्रमशालाएं, छात्रावास कांग्रेस ने नहीं दिए थे, कभी दिए थे क्या कांग्रेस ने बताओ? अरे दिए थे क्या? हम पे आरोप लगाते हैं सड़कें तुमने बनाई नहीं, बिजली भी लेके आए तो सौभाग्य योजना में नरेंद्र मोदी जी ने फालिया फालिया बिजली पहुंचाने का चमत्कार किया है, केवल वो लोग आरोप लगाते हैं। अब शिक्षा के लिए काम हो रहा है, और इनका मैं कहना चाहता हूं गर्व के साथ, जेई मेंस और नीट की परीक्षा में जो कोचिंग बच्चों को दिए, आज सैकड़ों की संख्या में हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और कई गरीब बच्चे जिन्हें का हम फीस नहीं भरवा सकते, तो हमका तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, हमने तय किया है यूपीएससी पीएससी की परीक्षा में भी जनजाति बेटा बेटियों को कोचिंग देने का काम किया जाएगा, पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए भी इन बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, और रोजगार के लिए सरकारी भर्ती में जितने बैकलॉग के पद हैं सब भरने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। आज ही कुछ को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना, और एक योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी क्रांति योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे और छोटा मोटा उद्योग भी डाल सकेंगे। एक बात और मेरे जनजाति भाइयों बहनों, पेशा एक्ट बहुत गाली देती थी कांग्रेस, क्या किया तुमने तुम्हारे राज में, अब पेशा कानून चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, बिना सामाजिक समरसता तोड़े, सबको न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, ग्राम सभाएं सशक्त बनाई जाएगी, और वनोपज तेंदू पत्ता बेचना है अगर तो पायलट के रूप में अब वन समितियां बेचेंगी, ग्राम सभा और सशक्त होंगी, कई तरह के अधिकारों से लैस कर रहे हैं, और जितने छोटे मोटे मामले थे आदिवासी बहनों और भाइयों पे वो सब वापस लेने का हमने फैसला किया है। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति ऐसी बनाई जाएगी जो आपकी परंपराओं का पालन करने में सहयोगी हो, और कई के ऊपर जो बड़ा बड़ा कर्जा था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नियमानुसार लाइसेंस लेके निर्धारित दर पे ब्याज पे पैसा देते हैं, लेकिन कई शोषण कर रहे थे, लूट रहे थे, और इसलिए हमने कानून बना दिया, जिनने जबरदस्ती जमीन गिरवी रख के जनजाति भाई बहनों का शोषण किया, उनका लिया हुआ कर्जा माफ, उनका सामान वापस करवाया जाएगा, उनका सम्मान भी लौटाया जाएगा।
हर गांव में 4 ग्रामीण कारीगर आदिवासी बेटा बेटियों में से ही ट्रेंड करके उनको वहां रोजगार दिया जाएगा। और गांव गांव में पीने का पानी, सिंचाई का पानी भी झाबुआ में, अलीराजपुर में, बड़वानी में, धार में, बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या? अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मेरी जनजातीय बहनों, अब ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन बनाया है, अब तुम्हारे घर में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएगा। जनता की जिंदगी बदलने का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है और हमारी कोशिश है कि उनकी हर योजना को आदर्श तरीके से हम जमीन पर लागू करें। मैं इतने ही कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, समय की सीमाएं जनजातियों के कल्याण में, उनके उत्थान में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, शैक्षणिक सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री जी तो जी जान से जुटे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बोलिए, आप सबको विश्वास है? इस बार जोर से हो जाए, सबको विश्वास है? तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि बिना जन भागीदारी के होगा नहीं, इसलिए हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आपका सहयोग, मिलकर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, हर हर नर्मदे। बिना किसी विलंब के जिनको सुनने ये जन सैलाब उमड़ा है, चारों तरफ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हमारे हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि श्रीमान मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और आप सबको संबोधित करें और एक बार फिर जोरदार तालियां, ढोल नगाड़े बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।